Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. तो अब जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ। हाँ, एयरपोर्ट से निकल गए हैं और अब ट्रेन पकड़ेंगे यहाँ से, जहाँ भी जाना है। कहाँ जाना है? ओबावा जाना है। तो यहाँ से पता नहीं कितना दूर है। पहले हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। हाँ, रेलवे स्टेशन पहले जा रहे हैं। हाँ, बस से inside lane, missing exits, glued to the pavement, between the lines, I keep my gaze straight ahead, as the last stop flies by, no more waiting for the gun to fire, no more walking through revolving doors, I've gone around once, and I don't need to go around anymore, break away, forget your sober case, stop dwelling on empty words, stop stalling in the doorway, and cancel the cruise control, switching in the main. Don't you wanna feel funds that we are going to get, how we are going to get it? Your bank account or in cash? The money? Yes, yes, in cash. And yes. My bank will get? Tomorrow. Yes. Oh, wow. मैम को नहीं बताएंगे ना, अपन पहले अपने घर में पैसा कर भेजेंगे, उसके बाद बताएंगे मैम को। कल से पैसा ही पैसा। क्या बोलती, क्या चीज़ है पैसा? ट्रैवल वाला तो पूरा भेज दे। हां, वो तो मैंने भी, उसके बाद भी बहन को आकर हर मंथ में ट्रैवल का सुझाव है। देयर इज वन स्पेशल शॉप दैट इज कॉल्ड ओरियो। दे हैव things in the kitchen, like cookware, they have tableware, they have everything for good price. So I am planning to take you there so you can pick up whatever you want. तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंश और ये हम पहुँच चुके हैं प्राग और ये हमारा हॉस्टल है। इस तरफ आइए, ये सारे रूम्स हैं, पूरा सफ़ेद सफ़ेद, सब कुछ एकदम साफ क्लीन लग रहा है। यहाँ अभी तक तो कोई पॉपुलेशन नहीं है इस तरफ और हम लोग सिर्फ स्पेशल केस हैं, चार लोग, जो कि अभी अगस्त में आए हैं फिलहाल यहाँ पर। अगस्त में तो वैकेशन होती है तो कोई अभी है नहीं फिलहाल, लेकिन जो रूम्स हैं वो रूम्स मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस तरफ आ जाइए, हमारा रूम एक्सेस होगा। यहाँ तो नहीं है, हम यहाँ पर किचन में खाना बना रहे हैं, रूम हमारा नीचे है। तो हम चार लोग हैं, तो हम दो लड़कों का एक रूम है और दो लड़कियों का एक रूम है, एक रूम में दो लोग रह रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम खाना बना रहे हैं, खुद से खाना बनाना पड़ेगा, सब कुछ खुद से करना है। और ये किचन है, कम डाइनिंग टेबल, कम डाइनिंग रूम। लाइट नहीं आ रही ठीक से यहाँ पे। हाँ, अब लाइट आई। ये बाहर का नज़ारा दिख रहा है, ये यहाँ की खिड़की है, हम थर्ड फ्लोर पे खाना खाने जा रहे हैं। अभी लाइन में लेट हो गया। ये कि आना नहीं,
तो यहाँ बनेगा हमारा खाना ये, और बस इतना ही है। खाना बनने के बाद पता चलेगा क्या टेस्ट है, और फिर देखते हैं आगे का। चलिए जी आपको रूम ले चलते हैं, और ये डोर्स वगैरह हैं, और अगर मेरी आवाज़ गूंज रही हो तो प्लीज माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा शांति है। तो चलते हैं अब नीचे, हमारा रूम है करीब, क्या बोलते हैं उसे, ग्राउंड या फर्स्ट, यहाँ पर दोनों बोल सकते हैं, ये सेकंड फ्लोर है। इस तरफ है, इस तरफ है रूम। तो कुछ ऐसा है हमारा रूम हॉस्टल का, यहाँ पर एक बेड है और दूसरा बेड है, ये दो दो लोग की जगह है एक हॉस्टल में, और हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है यहाँ पर, अलमारी में आप देख सकते हैं सामान रख सकते हैं अपना, और दूसरों को भी मिल रही है, जितने लोग उतने सामान, यहाँ स्टडी टेबल मिल रहा है आपको, स्टडी टेबल के पीछे प्लग्स भी दिए हुए हैं, आप चार्जर को लैपटॉप को चार्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर लैंप दिया हुआ है, रात को देर तक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, ये वेंटिलेशन भी दिया हुआ है बाहर की तरफ, आप देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, और आप इसको खोल के भी रह सकते हैं रात को, यहाँ तो कोई डर नहीं है। तो यहाँ पर जैसा कि एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर कोई भी पंखे नहीं है, आप ऊपर देखिए यहाँ सिर्फ लाइट्स हैं, और किसी भी रूम में यहाँ पर शायद पूरे प्राग में या पूरे चेक रिपब्लिक में ही किसी भी रूम में पंखे नहीं है। तो पंखे के बिना हम कैसे रहते हैं, पंखे के बिना हम आसानी से रह लेते हैं क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लो है, और बाहर लेकिन बहुत ज़्यादा धूप थी, बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन कमरों में इतनी गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। आपको जब रात लगेगी ना आपको पता चल जाएगा कि यहाँ आपको चादर ओढ़ के ही सोना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भले ही पंखे नहीं है, और अच्छा ही है यहाँ पर पंखे नहीं है, वरना तो हम ठंड से मर जाते। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम रहता है, और अभी तो फिलहाल मौसम नहीं है, लेकिन जब मौसम आगे जाएगा सितंबर अक्टूबर आएगा तो ठंड और बढ़ने वाली है, तो हमको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने रैक रखी है कपड़े सूखने के लिए, स्टडी टेबल है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा कम्फर्ट है आपको बेड पर भी, और बहुत ही ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है, और पिन ड्रॉप साइलेंस आप बोल सकते हैं, कोई भी यहाँ स्टूडेंट है नहीं हमारे अलावा, तो इसलिए शायद लग रहा होगा, लेकिन फिर बाहर भी पूरी यहाँ की जो सोसाइटी है, यहाँ का शहर है, बहुत शांत है, बहुत डिसिप्लिन लोग हैं यहाँ पर, और इंडिया में रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा, तो बहुत शांत रहना पड़ेगा हमको यहाँ पर भी। मैं चिल्ला नहीं सकता, बहुत छोटी छोटी आवाज़ भी आ जाती है, आपका पेट खराब है तब भी आपकी आवाज़ आ जाएगी।